ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਲੱਭ ਯਾਰ ਦੀ ਆ ਜੇ ਹੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੈ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਓ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੈ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਜੇ ਹੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਈਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਰੁਲਾਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖਤਾਜ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਰੱਬਾ ਹੋਏ ਬਾਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਕਾਇਨਾਤ ਲਿਓ ਜੁਮਲੇ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਅਜੇ ਅੱਬੂ ਰੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਬੂਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਆਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਜੇ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਆ ਜਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੈਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਵੇ ਖੇ ਆ ਕੇ ਸਜਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ
ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दरूद नबी अकरम नूरे मुजस्सम शाफाए माशर आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीबे परवरदिगार शबे असरा के दुल्हा जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात जनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दे दरबारे को हर बार अंदर दरूदो सलाम दा हदिया पेश करने तो बाद इज्जत दे लायक सामीन व नाजरीन अल्लाह दा कुरान है पंद्रवा सपारा है सूरत बनी इसराइल है गल शुरू हो गई तवज्जो फरमाया जे हुण जरा सादा कर दो जदों गुफ्तगू होनी उदों बिल्कुल सादा करना तुहानू क्या ही उन्हां समझा दिओ कोल बह के तुसीं कोल बह के आ गए तवज्जो फरमाओ जी वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इयाहु वबिल वालिदैनि इहसाना ये कुराने पाक की आयत है यदा तर्जमा तुहाडे सामने मैं पेश कर रहा अज मां की शान नहीं पढ़ी जानी अज बाप की शान पढ़ी जानी अज अब्बे दी गल्लां होनियां ने सारी जिंदगी असा मां की गल सुनी सारी जिंदगी मां की शान पढ़ी तो सुनी अज अलहम्दुलिल्लाह अज बाप की शान पढ़ी जाएगी अज अब्बे की शान पढ़ी जाएगी कि बाप का मकाम की है बाप की शान की है बाप की अजमत की है हजरात बड़ी मेहरबानी तवज्जो रखिया जे टाइम बिल्कुल मुख्तसर रहे गल्लां दो तीन जरूरी करनियां ने तो मैं चाहना वा कि मैं मेरी गल तुहाडे तक पहुँच सके कोई एक मुंडा भी अमल कर गया तो इंशाला ये भाई साहब के वालद की भी बख्शिश हो जाएगी तो साढ़े वालदैन की भी बख्शिश हो जाएगी क्यों गल है अमल की जिन्हें अमल करना जिन्हें गल तो अमल करना अमल पैरा होना है गल वो बननी है मैं तकरीर करता जावा तुसी सुनते जावो जे बाबा जी गल तो अमल नहीं करना तो ना करन वाले नूं फायदा तो ना सुनन वाले नूं फायदा ना करन वाले नूं फायदा तो ना सुनन वाले नूं फायदा कि बाप का मकाम मैं अल्लाह के कुरान विच पढ़ लगा बाप की अजमत बाप की शान मैं अल्लाह के पाक कलाम विच पढ़ लगा ते बाबा जी दरियापुर वाले कुरान ओ कुरान है जिदे बारे अल्लाह फरमांदा है ज़ालिकल किताब ला रईब फी अल्लाह फरमांदा है एक किताब ओ किताब है जिदे विच राई दे दाने दे बराबर भी शक की गुंजाइश कोई नहीं ला रही बफी ये अंदर शक है ही कोई नहीं ये अंदर शक की गुंजाइश अल्लाह ने छड़ी कोई नहीं पता क्यों नहीं छड़ी एक कलाम है रब का ते रब दे सारे काम सोने होंदे ने बोलो जरा रब दे सारे काम सोने होंदे ने तवज्जो फरमाया जे रब काम ही सोने करदा अल्लाह नू किसे नाल दुश्मनी नहीं मेरे वाल वेखियो जी मेहरबानी अल्लाह नू किसे बंदे नाल वैर नहीं दुश्मनी नहीं बाबा जी जे रब नू दुश्मनी होंदी ते जेडे नमाज पढ़ते उन्हां नू रिजक लभदा जेडे ना पढ़ते उन्हां नू ना लभदा तवज्जो कीती तुसीं जेड़े ओदी इबादत करते उन्होंने अल्लाह वध देंदा जेड़े ना करते उन्होंने भुखा मार देंदा लेकिन अल्लाह दा आर्डर अल्लाह फरमांदा सारे बंदे मेरे ने मैं सब दा खुदा वा मैं सब दा खुदा वा अल्लाह फरमांदा वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाही रिज़्कुहा अल्लाह फरमांदा तुसी ते इंसान हो ना मैं कोई जानवर ही ऐसा पैदा नहीं किया जिदे रिजक दा जुम्मा मैं खुदा ने ना लिया होवे बड़ी मेहरबानी तवज्जो करिया जी गल्लां सुनन वालियां अल्लाह ते कोई जानवर भुखा नहीं मरन देंदा मलिक साहब तवज्जो फरमाया जी कोई जानवर अल्लाह भुखा नहीं मरन देंदा वह भावें समंदर की तह विच होवे भावें वह जनाबे वाला पत्थर दियां गहराइयां विच होवे अल्लाह उत्थे भी उन्हें रिजक पहुँचा छड़दा है पता क्यों पहुँचांदा है अल्लाह फरमांदा मैं परवरदिगार हाँ मैं रब्बुल आलमीन हाँ मैं हर चीज़ का खालिक हाँ हर चीज़ का मालिक हाँ बाबा जुमले सुनिया जे जेड़ा कीड़े नूं भुखा नहीं मरन देंदा वह अपने बंदे नूं मरन देवेगा बोलिया जे वह बंदे नूं मरन देवेगा नहीं मरन देवेगा लेकिन गल लेवे अगर बंदे का ताल्लुक रब नाल हो जाए ना पक्का तो अल्लाह बंदे नूं इत्थे भी इज्जत अता फरमांदा अल्लाह उत्थे भी इज्जत अता फरमांदा गल शुरू वे तवज्जो फरमाया जे अल्लाह फरमांदा वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इयाहु वबिल वालिदैनि इहसाना मैं पंजाबी अंदर ना सादी जुबान अंदर अपने बाबिया नूं गल समझाना चाहना मेरे बुजुर्ग सिर दे ताज हो अल्लाह फरमांदा मेरी इबादत करिया जे मेरे नाल किसे नूं शरीक ना ठहराया जे या अल्लाह नहीं ठहरावांगे अगली गल अल्लाह फरमांदा वबिल वालिदैनि इहसाना
ऐ रब की इबादत करने वाले नमाजी, ऐ अल्लाह दे घर जाके हज करने वाले हाजी, उमरा करने वाले उमरा मैन। तवज्जो फरमाया जे, नमाजी हाजी उमरे करने वाले जिन्ने भी बंदे ने अल्लाह सब नु मुखातब करके फरमा रहा वा बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालदैन दे नाल एहसान करना। की करना जी? तवज्जो फरमाया, अपने वालदैन दे नाल की करना? एहसान करना। तवज्जो, एहसान की करना जी? बंदा किसी के बूहे ते आ जाए ना, बंदा आखे यार मैनू परेशानी बन गई है, मेरे ते नेकी कर, मेरे नाल टुर। बाबा जी, वह बंदा उहदे नाल टुरे मुखलस हो के, लालच ना होवे, मुखलस हो के दिलों टुरे। ते जे अगला बंदा नस्ली होवे ते सारी जिंदगी उहदा एहसान भुलदा, बोलो एहसान भुलदा। ते बाबा जी, जिहड़े नस्ली होण ना, औलाद नूं भी दस के जांदे ने, पुत्रां नूं भी दस के जांदे ने, पुत्रा इस चाचे की कदर करनी आ। अब्बा वजह की है? उन्हें आख्या, पुत्र जदों तेरे प्यो नाल पूरा पिंड नहीं सी ना टुरदा, ते ये चाचा कल्ला टुरिया सी। जी मेरे को सीधियां गल्लां ने, इंशाला तुहाडे दिल ते बैठन गियां। जदों तेरे प्यो नूं सारा शरीका छड गया सी ना, तेरे प्यो नूं सके भरा भी छड गए सन, वे असां तेरे नाल टुरना नहीं, उस वेले बांह दे नाल बांह मिला के, ते ए तेरा चाचा तेरे अब्बे दी इज्जत वास्ते टुरिया सी। ईमानदारी नाल तुसीं दसणा, दरियापुर विच बहण वाले जिथों जिथों बैठे हो, परिया पंचायत वाले सियाने बंदे बैठे हो, फैसला तुहाडे कोल कराणा। जिहड़ा बंदा एक रात किसे नाल अंदरों टुर पवे, ते अगला बंदा नस्ली होवे, ते नस्लां नूं दसदा भी चाचे दे कदम चुमने जे, चाचा जिथे आखे उथे खलोयो, ए तुहाडे प्यो नाल इक रात टुरिया है, इक रात टुरिया है। मैं ना रब्बे काबा दी कसम है, मलक साहब जुमला बड़ा वड्डा है, ओए इक चाचा तेरे प्यो नाल इक रात टुरे, ते तू सारी जिंदगी उस चाचा नजर आवे उन्हूं सलाम करना है, उदे हाथ चुमना है, उदे पैर चुमना है, उदे पुत्रां दा हया करना है। मेरे अब्बे दी इहने हमायत कीती है, मेरे अब्बे दे औखे वेले नाल चलिया है। मैं ना ईमानदारी नाल दस्सिया जे, तुसीं चाचा इक रात तेरे अब्बे नाल टुर पवे, ते नस्ली होवे सारी जिंदगी उहदा हया करना है, उस बाप दी कदर क्यों नहीं करदा जिहड़ा सारी जिंदगी पुत्र दे नाल टुरदा रहा। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी, मलिक साहब जुमले समाप्त करे आज। उस बाप की कदर क्यों नहीं करता, उस बाप की अजमत क्यों नहीं बयान करता, उस बाप के हाथ क्यों नहीं चुमता, वो जिहड़ा सारी जिंदगी पुत्रा नाल टुरिया है। पुत्रा नूं सारा सारा जग छड़ सकदा, अब्बा नहीं छड़ सकदा, अल्लाह की कसम प्यो नहीं जे छड़दा, प्यो नहीं छड़दा, प्यो भरावां नूं छड़ देंदा, औलाद नूं नहीं छड़दा। मैं गल हकीकत कह रहा, अब्बा भरावां सकियां नूं छड़ छड़दा, अपनी औलाद नूं नहीं छड़दा। क्यों? बाबा औलाद हुंदी बड़ी प्यारी, औलाद की मुहब्बत दिल विच आउंदी। अब्बा जिदा मर्जी भी सख्त होवे, फिर भी बाप बाप ही हुंदा ना। आ मैं तैनूं गल सुणावां उस बाप की, जिस बाप का नाम जनाबे यकूब अलैहि सलाम है, और पुत्र का नाम जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम है। मैं कोई कहानियां नहीं सुनानी, मैं अल्लाह का कुरान सुनान लगा, मैं अल्लाह के कुरान की तफासीर सुनान लगा। बाबा जुमले सुने जे, सूरत का नाम सूरत यूसुफ है, ना ही नबी दे नाते रखिया गया। बाबा इस सूरत यूसुफ के अंदर एक नबी का जिक्र है, उस नबी का ना है जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम। की ना है? बड़ी तवज्जो ना गल सुनियो, बड़ी मेहरबानी, गल जाया ना होवे, तुहाडे दिल विच बैठ जाए, अल्लाह करे अमल हो जाए। पुत्र का ना है जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम, बाप का ना है जनाबे यकूब अलैहि सलाम। बाबा जी, पुत्र भी नबी है ते बाप भी, बोलो बाप भी नबी है। नबी मासूम होंदा है, गुनाहों तो पाक होंदा है, नबी आंदे ही उन्होंने जेड़ा गलती ना करे, जेड़ा गुनाह ना करे। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम, बाबा जी ओ अल्लाह दे नबी दे बेटे ने, जिन्हों जनाबे यकूब दिलों प्यार करते सन। मेरे वल वेखियो, जनाबे यकूब अलैहि सलाम जनाबे यूसुफ नूं दिलों प्यार करते सन, कुदरती प्यार सी। ते प्यार होंदा क्यों ना, वह भी तो नबी सन ना, वह भी तो नबी सन। बाबा जी, एक बाप दे चार पुत्र होण, चौवां नाल एक जैसा प्यार नहीं करता। यह गल मेरी तवज्जो नाल सुनिया जी, चौवां नाल उहदी मुहब्बत अंदरों एक जैसी नहीं। वड्डे नाल होर होएगी, छोटे नाल होर होएगी, उस तों छोटे नाल होर होएगी। अब्बा जरूरतां चौवां दीआं पूरियां करदा है, पर अंदर जिहड़ा दिल विच वसदा ना, वह एक ही होंदा है, वह एक ही होंदा है जिहदे नाल प्यार करदा है, जिहदे नाल मुहब्बत करदा है। दूसरे एवें पे आंदे ने, अब्बा तू इहदे नाल बड़ा करना है, साडे नूं तू कदी पुछिया भी नहीं, इहदे नाल बड़ा करना है।
वो अगू बोल के अब्बा पता की आंदा आंदा चलो तुहानू पता नहीं जे मैं इहदे नाल करना तो यह भी अब्बे नाल करदा जी जी ये भी बाप नाल करदा बाबा जी अब्बे नाल चंगा सलूक करिए तो फिर बाप के दिल में मुहब्बत पैदा होती है फिर बाप के दिल में उल्फत पैदा होती है। अल्लाह का नबी है जनाबे यकूब अलैहि सलाम पुत्र यूसुफ ख्वाब वेखी तवज्जो करे अज गल शुरू हो गई ख्वाब वेखी बाप की गोद में बैठे अबू जी मैं राती ख्वाब वेखी है पुत्र केड़ी ख्वाब वेखी है अबू जी मैं वेख्या चन्न ते सितारे तुहाडे पुत्र नूं सजदा पे करदे आए हाए तवज्जो करे जे हसद बड़ी बुरी चीज है भरावां नूं भरावां दा दुश्मन बना छड़दी है भैणां नूं भैणां दा दुश्मन कर छड़दी है यह हसद ऐसी बीमारी है। किबला तवज्जो फरमाए ख्वाब वेखी है ख्वाब केड़ी वेखी है जुमले तवज्जो नूं समात करिया जे बाबा मैं ख्वाब वेखी है मैं वेखिया कि चन्न ते सितारे तुहाडे पुत्र नूं सजदा पे करदे ने अल्लाह दे नबी ने पुत्र नूं सीने ला लिया सीने ला के फरमाया पुत्र मेरे नाल गल कीती आ भरावां नाल गल ना करी तवज्जो करियो दरियापुर विच आउण वाले मेरे नाल गल कीती आ भरावां नाल अबू जी वो तो मेरे भरा ने अबू जी तुहाडी औलाद है फरमाया लख भरा ने तैनूं कहना पिया ना जो अब्बा नसीहत करे वह मन लैनी चाहिए जो अब्बा गल करे वह मन लैनी चाहिए इन्हां नाल गल ना करी बाबा जी ठीक है तवज्जो करिया जे हुण जदों जनाबे यकूब ने जनाबे यूसुफ नूं प्यार करना ते ओ जिहड़े दस भरा सन उसते तवज्जो फरमाया जे उन्हां वेख के आखणा अब्बा यूसुफ दे पिछे पिए है जनाबे यूसुफ नूं प्यार करदा है जनाबे यूसुफ नूं चुमदा है साडे वल वेंदा भी कोई नहीं तवज्जो करिया जे साजिश हो गई कुरान पेश करना पिया साजिश हो गई जनाबे यूसुफ नूं लै के ना कहन लगे अब्बा जी इजाजत दिओ जंगल विच जाणा है शिकार करना है उन्हां कहा पुत्र बिस्मिल्ला फरमाया जी यूसुफ नूं भी लैके जाना है आ गल सुनियो बड़ी मेहरबानी जिथे जिथो आयो अज जनाबे यूसुफ नूं भी लैके जाना है किबला जुमले सुनिया जे आपने फरमाया नहीं भेजना आपने फरमाया नहीं भेजना बाबा जी पैरी पै गए अबा जी एक बारी जान दियो ये भी दौड़ लाएगा ये भी साढ़े नाल खेडेगा मलेगा जान दियो एक बारी जनाबे यकूब फरमांदे ने मैनूं डर लगदा आए हाए जुमले सुनिया जांदे सन नबी नूं पता नहीं सी बाबा वह नबी नहीं हुंदा जिहनूं पता ना होवे नबी तो होंदा ही होवे जिन्हों इलम होवे उलमा तशरीफ फरमान नबी का माने गैब की खबर देने वाला नबी होंदा ही गैब की खबर फरमाया फिर टोरिया क्यों फरमाया अल्लाह की तरफ अजमायश सी अल्लाह ने फरमाया यकूब तू बोलना नहीं या अल्लाह की होएगा फरमाया तेरे यूसुफ ते औखा वेला आने वाला है तेरे पुत्र ते सख्ती का वेला आने वाला है तवज्जो फरमाया जे रब्बे काबा की कसम जुमले सुनिया जे ते बाबा जी अल्लाह का कुरान पेश कर रहे हैं सूरत यूसुफ दी आयतां पेश कर रहे हैं अल्लाह के नबी दे पुत्र सामने आ के हाथ जोड़े ने हाथ जोड़ के अर्ज की बाबा हाजी यूसुफ नूं असां नाल लै के जाना है हाजी शिकार दे नाल लै के जाना है मुसलमान भाईओ जुमले सुनिया जे अल्लाह दे नबी ने जनाबे यूसुफ नूं आवाज मारी है आवाज मार के आंदे ने पुत्र आ जा बाबा जी जनाबे यूसुफ ने हाथ जोड़े ने हाथ जोड़ के अर्ज की बाबा हुक्म आवें फरमाया पुत्रा तुहाडा वीर पिया आंदा है अज तेरे वीर तैनूं नाल लै जाण वास्ते तैयार होए ने मुसलमान भाईओ जुमले सुनिया ने अल्लाह दे नबी ने हाथ जोड़े ने अर्ज की बाबा मैं तुहाडा पुत्र हां जिवें हुक्म करोगे मैं तैयार हाँ अल्लाह दे नबी ने पुत्र नूं तैयार कीता है बाबा जी जुमले सुनिया ने जनाबे यूसुफ तैयार होए ने मलक साहब जुमले जाया ना करिया ने अल्लाह दे नबी दा बचपन कदी वड्डा वीर चुमदा है कदी छोटा वीर चुमदा है ए अप्पे दे सामने बड़ा प्यार पे कर दे ने ए अप्पे नूं दसना चांदे ने बाबा जी वेख लो असी यूसुफ दे बड़े सके हां असी यूसुफ नाल बड़ा प्यार ही करने हां दरियापुर लियो जुमले सुनिया जे अल्लाह दी कसम बाप ही आंदा है पुत्र पुत्र ही आंदे ने जदों जनाबे यूसुफ चले जनाबे यूसुफ दी भैन आ गई हाँ के आंदी है अबू जी मेरा दिल करदा है मैं जांदी बारी वीर दे सीने लग जा मैं जांदी बारी वीर नाल प्यार कर जा दरिया पोर लियो जुमले सुनिया ने जनाबे यूसुफ दी भैन आई है हाँ के आंदी है वे वीरा जांदी बारी भैन दे सीने लग जा वे जांदी बारी भैन नाल प्यार कर जा अल्लाह दी कसम जुमले सुनिया रे हे बाबा जी जदों इन्नी गल हुई है अल्लाह दे नबी भैन दे सीने लगे जनाबे यूसुफ दी
अखा बिच अथरू आ गए, अज भैन भी फिर रोंदी है, अज अल्लाह का नबी भी फिर रोंदा है, अज भैन भरा सीने लग के फिर रोंदी है। मुसलमान भाइयों जुमले सुनिया ने आखरी सलाम अखिया फरमाया ले भैने यूसुफ टुर चलाई। बाबा जी जुमले सुनिया ने जांदी वारी अल्लाह दे नबी ने यूसुफ नू आवाज मारी, फरमान लगे वे पुत्र यूसुफ आ जा। जी अब्बा जी आ डरा है, फरमाया पुत्रा जांदी वारी अब्बे दे सीने लग जा। हे मियां साहब फरमांदे ने बाप मरे ते सिरने गाहो में आता वीर मर कंडे खाली है मामा बाजे ओए सजना मामा बाजे मोहन बख्शा सुनियो सुनियो हे मामा बाजे। मलक साहब अल्लाह दी कसम जनाबे यूसुफ पे रोंदे ने, हाजी अबू भी प्यार रोंदा है, हाजी बाप ते पुत्र दे दरमियान जुदाई पैन वाली है, हाजी पुत्र जदा होने वाले ने। अल्लाह दे नबी कदी मथा चुमदे ने, अल्लाह दे नबी कदी पुत्र दे हाथी चुमदे ने। जनाबे यूसुफ बाबा जी रो पे हाथी जोड़ के आखिया अबू जी आज प्यार क्यों इना कर दे। फरमाया पुत्रा फिर पता नहीं अब्बा लबे के ना लबे, फिर पता नहीं बाप लबे के ना लबे। दरिया बोरा लियो जुमले सुनिया ने, ए जनाबे यूसुफ नू चुक के जंगल विच ले गए ने, ए दस परा कठे हो गए ने। आंदे ने यूसुफ दौड़ जिधर दौड़ ना ही, जुमले सुनी यूसुफ दौड़ जिधर दौड़ ना ही। मुसलमान भाइयो जिदू जनाबे यूसुफ ने दसा परावां वाले वेखिया अज नजरां फेर गए ने, अज मुख मोड़ गए ने, अज जालिम बन गए ने। कदी वड्डा वीर थप्पड़ मारदा बाबा जी, कदी छोटा वीर फड़दा है। आंदा यूसुफ वाला यकूब किथे आई, जिदी गोद विच बैंदा रहा है, जिदे सीने लगदा रहा है, अज बुलाया अब्बा किथे। बाबा जी जनाबे यूसुफ दियां अखां विच अथरू आ गए, किनान वाले मोह करके रोंदे ने। आंदे ने अबू जी ए तुहाडे सामने चुम्मा नाले अज तुहाडे पुत्तर नूं पे मार देने, अज तुहाडे पुत्तर दे जुल्म पे कर देने। अल्लाह दी इज्जत दी कसम लोगो, इधर जनाबे यूसुफ पे रोंदे ने, मेरा विजदान आंदा उधर कर बह के जनाबे यकूब भी रोंदे होणगे। हाय सिख पुत्रां दी डी होंदी कसम सासे के पुत्रां दी, अल्लाह दी कसम यतीम रुल जांदे जें यतीमां दा बणदा कोई नहीं, यतीमां नूं सीने लांदा कोई नहीं, यतीमां दे सिर ते हथ रखण वाला कोई नहीं। बाबा जी मैं यतीम वेखे ने, ओए ईद वाले दिन भी रुल जांदे ने। हुण जुमले सुनिया जे बड़ी मेहरबानी, ओए मैं यतीम अखां नाल वेखे ने, ईद वाले दिन भी चाचियां दे मुख्ताज आंदे ने, हाय लोको मामियां दे बुवियां दे मुख्ताज देने। यतीमां नाल प्यार करिया जे, हे बाप मर जाए रौनक मुक जांदी जे, हे अप्पा मर जाए वेड़े ही उछड़ जांदे जे। अल्लाह दी कसम जुमले सुनिया ने, हे बाप नाल बड़ियां बहारां ही आउंदियां ने। अल्लाह दे नबी रो के आंदे ने अबू जी आ जाओ अबू जी, अज तुहाडे पुत्तर ते मुश्किल वेला आ गया है। मुसलमान भाइयों जुमले सुनिया
ਪਿਆਰ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਹੈ ਕਦੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਰੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੰਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਹੈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੜੀ ਜੇ ਹੋਏ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਯਕੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਓ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਯਕੂਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਪ ਸਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਬਾ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਯੂਸਫ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਅੰਦਰੂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਖਲੌਣੇ ਅੱਬਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਹੋਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਂ ਦੇਵੇ ਹੋਏ ਰੋਣ ਲਿਓ ਹੋਏ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੈ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦਰਿਆ ਪੋਰਾ ਲਿਓ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਠੇਕ ਕਹਿਨੀ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਮੇਵਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਵਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਅੱਲਾ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੁਣਿਓ ਸਿਆਲੀ ਕੋਟ ਲਿਓ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨਾ ਰੋਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਦਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਸੁਣੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਸੁਣੋ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ
ਦਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੋ ਓਏ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਭਰਾ ਪਛਾ ਲੋ ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਵੀਰ ਬਚਾ ਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਹਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਵਿਛਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਬਚਾ ਲੋ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਆਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਜੇ ਹਵੀਰੋ ਜੇ ਵੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਨਾ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਕਦੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਕਦੀ ਬੂਵੇ ਤੂੰ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਜੇ ਹੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੈ ਓਏ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹੋਏ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਓ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੈ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਜੇ ਹੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਈਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਰੁਲਾ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖਤਾਜ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਰੱਬਾ ਹੋਏ ਬਾਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਆਪਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਕਾਇਨਾ ਤਾਂ ਲਿਓ ਜੁਮਲੇ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਅਜੇ ਅੱਬੂ ਰੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਭਰਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇ ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਇਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ
अबे ना गल किवें करनी है किबला, अबे ना कलाम किवें करना है। अज मैं इत्थे बैठा ना, अज किबला मुहतरम बैठे ने, किबला साहब सैफी साहब बैठे ने, जिन्हें भी तुसी आयो बाबा जी, असी मां दी गोद विचू चौधरी नहीं जम्मे, मां दी गोद विचू आलिम नहीं जम्मे, मां दी गोद विचू पीर नहीं जम्मे। पिछे किसे दी मेहनत लगी, पिछे किसे दी दौलत लगी। अल्लाह की कसम है, अब्बा अनपढ़ भी होवे ना बाबा जी, एक दिन भी स्कूल ना गया होवे ते पुत्र नूं स्कूलों छुट्टी करन नहीं दिंदा। गल सुनियो बड़ी मेहरबानी, मैं गल तुहाडे दिल विच उतारनी, बड़े मौलवी तुसीं सुने, अज इस निकम्मे नूं भी सुनो गुनाहगार नूं। अब्बा स्कूलों छुट्टी नहीं करन दिंदा, उहनूं मारदा, आंदा तू स्कूले जाणा। बंदा पुछे अब्बा जे नहीं जांदा तां क्यों मारना, उह आंदा मैं ना जे मैं नहीं पढ़िया मेरे पुत्र ते पढ़ जाणा। जी किबला, इह बाप दी हसरत हुंदी है, खाश हुंदी है, मेरा पुत्र वकील लगे, मेरा पुत्र जज लगे, मेरा पुत्र हैड मास्टर लगे। बाबा जी एक क्लास भी नहीं पढ़िया हुंदा, अब्बा वो पढ़ाता है, वो मेहनत करता है। बच्चा कहता अब्बा जी मैं हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी दाखला लेना है। पुत्र कितना दाखला है? अब्बा 5 लाख 4 लाख तकरीबन। वो कहता पुत्र इंज करने फिर वो वेली वाली जी जगह ना वो अद्धी वेच छड़ने तो अद्धी रख लैने। वो प्यो की शान सुनने वाले हो, कभी गल तो अंदरू तो मेरी सुने, फिर तेन पता लगे मैं कह की रहा। बाबा जी ए जिने पुराने लोग बैठे हो ना, बजुर्ग लोग, पहला जो मर्जी भी हो जाए बजुर्ग जमीन नहीं सन वेचते। बोलो, जमीन नहीं सन वेचते। वह कहते सन नहीं, वह जमीन मां समझते सन, ये जमीन वेचण वाला बंदा कामयाब नहीं होंदा, वह जमीन नहीं सन देंदे। बाबा जी फिर बाप पता की करता है, जेड़ा अपने वास्ते जमीन नहीं सी ना वेचते, वह जो पुत्र की वारी आई ना उन्हें वह जी ना अद्धी कनाल वेच छी हवेली वाली। लोगों ने बड़ा समझाया बाबा ना वेच, क्यों अपने हाथ पे वढ़ना है? आंदा मैं जमीन वाल वेखा कि पुत्र की पढ़ाई वाल वेखा। उची बोलिया जरा यार, अब्बा ए बाप है, चाची ये काम नहीं करते। मैं मिंबर से बह के गल करना, जिन्ना मर्जी प्यार होवे भतीजिया नाल, कोई लखा चो एक माशाला जेड़े उन्होंने पुत्र समझते हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे ने कि जेड़े मुख मोड़ छड़ते हैं। असी अपनी औलाद वाल वेखी, वह जमीन वेचदा, वो फीस पूरी करता, जा पुत्र पढ़। बाबा जी वो फिर बाप महंगी जुत्ती नहीं लैंदा, महंगे कपड़े नहीं पाँदा। लोग उन्होंने आंदे ने चाचा तू पिछली ते भी यही जुत्ती पाई सी, इसी ते भी यही। आंदा पुत्र गुजारा हुंदा पिया जुत्तियां विच की पिया। मैं समझान लगा पुत्र ते प्यो दी कि प्यो की हुंदा ते पुत्र की हुंदा, जुमले सुने जे। असा भी बाबा जी, असी भी बाप हाँ, पुत्रां वाले हाँ, धीआं वाले हाँ, अज जिवें करांगे साडे नाल भी उंज ही होणा। मैं मस्से च बह के गल पिया करना, वो जुत्ती भी नहीं पाँदा, कपड़े भी नहीं पाँदा। आंदा मेरा पुत्र पिया पढ़द, बाबा कितने वो लाहौर पिया पढ़द, बाबा उन्होंने करना की आ? कहिंदा किसे वड्डे ओहदे ते लवाना अपने पुत्र नूं। बाबा जुमले सुनी, आस्ता आस्ता उस प्यो की सारी जमीन विक जांदी। शायद कन्ना नाल मेरी गल नहीं सुनी, अज तकरीर हो रहे, अज बयान हो रहे, ओहदी सारी जमीन विक जांदी है, घर वाला ओहदा मकान रह जांदा। पुत्र पिया पढ़द, प्यो पै जमीन वेचद, पुत्र पिछ मेरा पुत्र पढ़ जाए। बाबा ओ ही पुत्र पढ़ के ते सिविल जज बन जांदा। आए की बनदा? सिविल जज बन जांदा। किबला जदों ओ पुत्र सिविल जज बनदा ओदों तक प्यो दी प्रॉपर्टी विक गई हुंदी है। समझ आ रही जी मेरी गल? मैं बिल्कुल पिछे हो गया, वेख लो बिल्कुल सादी जुबान च गल पे करना, किसी मुंडे नूं तो समझ लगेगी भी मौलवी कह की रहा है, अब्बे ने मेरे वास्ते की कीता है ते मैं अब्बे वास्ते अज की पे करना। एनी क गल जिसरे ओदी प्रॉपर्टी वेख गई, जुमले सुनिया जी, दौलत वेख गई, पुत्र सिविल जज बन गया। पुत्र बैठा दफ्तर, अब्बे का दिल किया अज मैं पुत्र नूं मिल के ना आवां। ए मेरे वाल वेखियो, पुत्र की शादी हुई, उन्हें बीवी ली, उन्हें कहा अब्बा जी मेरा उत्थे गुजारा नहीं, मैं अपने दफ्तर के नाल ही मकान लिया, मैं उत्थे रहन लगा, तुसी जो तुहाडी जरूरियात है मैं पूरी करांगा। ए मेरे वाल वेखियो, अब्बे ने सारा कुछ वेच छड्या पुत्र नूं, आखिर पुत्र मां प्यो नूं छड्ड के टुर गया दूसरे शहर, वह बीवी नूं लैके राजी खुशी है। एक दिन अब्बे ने उहदी मां नाल मशवरा किया भी भलीए मैं पुत्र नूं ना मिल के आवां। गल अंदरों सुनी मलिक साहब, जे तुहाडी रूह ना तड़पी ते गल करिया जाए, अज पुत्र मिल के ना आवा। उन्हें कहा मैनू भी लै जा, उन्हें कहा मैनू पहला आउन दे, जे मेरे ना चंगा सलूक होया तो फिर तू भी टुर जाई। जी बाबा जी तवज्जो करिया जे, वो गया दफ्तर, गया पुत्र बैठा अंदर, गया उन्हें पूछा बाबा बाहर आया? उन्हें कहा इंतजार कराओ बाबे ने। उन्हें कहा उन्हें जाके आखो तेरा प्यो आया है। तवज्जो करो बड़ी मेहरबानी,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ मीटिंग हो रही है उनको अबे रान को जरा बार बैठन जुमले जल्दी ना आ जाओ जी रखो तवज्जो करो गल बड़ी सुनने वाली फिर बाबा की होया मीटिंग मुकी नाल जेड़ा उदा सी सैकटरी उन्हें पूछा उन्हें क्या चौधरी साहब फलान साहब ये कौन सी अब्बा हजे उठिया नहीं बाबा तो उहदे कन्न विच ना कन्न दे विच कहिंदा ये साडा नौकर है असां पिंड नौकर रखिया ओए लानत नहीं उस पुत्तर ते किधर टुर गया बाबा जी जिसने तेरे पीछे जमीना वेचिया जिन्हें तेरे पीछे चंगी जुती ना पाई बाबा जी जुमले सुनिया जे जो इनी गल की थी ना ते बाबा उठ के टुर गया उन्हें कहा बाबा जी बहुत तो सही ना उन्हें कहा बैठ दी हूं लोड़ कोई नहीं जो मैं सुनना सी वो सुन लिया तेरी जुबान जो मैं सुन लिया मैं तेरा नौकर हाँ तेरी जुबान जो मैं सुन लिया हुण बाबा जी जुमले सुनिया जे अल्लाह की इज्जत की कसम हराउण लियो बाप रोंदा निकलिया है गड्डी विच भी रो रहा है जदों घर पहुंची आए बीवी पुछदी है दस पुत्र ने केड़ा सलूक कीता है ओदियां अखां विच अत्रू आ गए आखन लगा पलिए हुण पुत्र साडा नहीं रिया हुण साडा जमिया साडा नहीं हो रिया हुण रो के चुपी कर जाई हुण रो के कली चुपी कर जाई बाबा जी जुमले सुनिया ने हल्ला दी कसमे बाप बाप ही आंदे ने ओए पुत्र ही पुत्र ही आंदे ने मियां साहब आंदे ने वीर वीरां दे बाबा अल्लाह तेरा रोना कबूल कर ले ओए कदी बाप नु कलियां ना छड़िया जाए कदी बाप नु तनहा ना करिया ने ओए बाप ते साया बन के रिया जाए ओए अबू दे हाथ भी चुमिया जाए अबू दे पैर भी तो के पिया जाए ओए वीर वीरां दे ओए दर्दी होंदे वीर वीरां दे मलक साहब वीर वीरां दे है दर्दी होंदे हाँ ता वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे है ताज मुहम्मद थे मावां ठंडियां बाबा जी गल मुक गई है दो तीन मिनट रह गए ने तकरीर मुक गई है जुमले सुनिया ने हे वेला आ गया मैं जनाबे यूसुफ दी गल मुकम्मल करना चाहना ये मिस्र दा बादशाह बन गया है ओए अबे नु सतान आले कंगाल हो गए ने कहत साली पै गई है फरमाया चलो मिस्र जाके खजाना लेके आओ हे बाबा जी सारे वीर जमा हो के आ गए गल मुकन लगी है सारे वीर जमा हो के आ गए आखन लगे मिस्र दिया शाह ओए मिस्र दिया बादशाहवा असी गरीब हो गए असी मस्कीन हो गए सानू कोई खजाना दे सानू कोई माल दे बाबा जी जुमले सुनिया ने इत लैके तुरी गए बिन्यामीन नू जमा कर लिया है सामने खिलारिया है जनाब यूसुफ आंदे ने बिन्यामीन ओए दस तेरे अबे दा ना की है रो के आंदा मेरे अबे दा ना जनाबी हुकूब हल्ला दा नबी है दरिया पोरा लियो टाइम मुक गया है जनाबे यूसुफ ने जदू अबे दा ना सुनिया है ये चेहरे ते नकाब ओढ़िया है फरमांदे ने बिन्यामीन उस बाप दा की हाल है दस कोई ओदा पुत्र यूसुफ ही है सी बाबा जी बिन्यामीन दिया चीखा निकल गईयां हाथ जोड़ के आंदा मिस्र दे बादशाह जे यूसुफ बारे पुछना है ओ ते अबू दी जान सी हे 40 साल हो गए अबू अज भी पिया रोंदा है अबू दी ने भी रोंदा जे रात भी रोंदा जे आंदा कि ना ना लियो मेरा यूसुफ ले आओ हे लगो यकूब रोंदा ही ना मर जाए पुत्र नु मला दिया जे बाबा जी वेला आ गया है अल्लाह दे नबी ने कमीज उतार के दीती है फरमाया ले जाओ हाय जनाबे यकूब नु कमीज दिया जे सारा मजमा प्या रोंदा है जुमले सुनिया रे हे बाबा जी अल्लाह दे नबी दी कमीज हजे कई मील दूर है जुमला सुनी गल
मुक गई आ जुमला सुनी अल्लाह दे नबी दी कमीज हजे काफी दूर है मुसलमान भाइयो जनाबे यकूब उठ के खड़े हो गए पुत्तर आंदे ने अब्बा जी की होया जे सारे पुछदे ने बाबा की होया ई रो के आंदा लोगो जी अगर मैनू कुछ ना आखो मैनू लगदा मेरा पुत्र आ गया जे मैनू लगदा मेरा यूसुफ आ गया जे सारे आखन लगे बाबा 40 साल रोंदा रहा है ते यूसुफ लब्भा कोई नहीं आखन लगे अज मैनू लगदा जे होया जी अब्बे दा दिल पिया आंदा पुत्र आ रहा है होया जी मेरी जान आ रही है हे बाबा जी जिदू कमीज आई है अल्लाह दे नबी ने अखां ते लाई कुरान पेश कर रहा कुरान अल्लाह दे नबी ने अखां ते लाई है जिदू कमीज अखां ते लगी है जनाबे यकूब दी बिनाई वापस आ गई फरमाया हुण दसो तुहानू आना सा मेरा यूसुफ जिंदा है गल मुक गई है जी बाबा जी गल तो अगे मौजूद है लेकिन टाइम मुक गया जिंदगी रही तो मौके मिले फिर कदी गल इतों शुरू करांगे ये प्यो सी ना अल्लाह का नबी सी ते फिर भी पुत्र नूं रोंदा रहा ते पुत्र दे गम विच रोना कोई गुनाह नहीं ते इमामे हुसैन दे गम विच रोना भी गुनाह कोई नहीं इन्ना मजमा बैठा मैं दो भी हाथ बुलंद करके उलामा दी महफल विच बैठ के कह रहा इमामे हुसैन दे गम विच रोना इबादत है और मुस्तफा करीम दी सुन्नत है उलामा तशरीफ फरमान जे मैं गल कोलू करा मैनू टोक दे हजरत उम्मे सलमा तो लैके हजरत अबू सईद खुदरी तक मैं 11 हवाले ऐसे सही हदीसां पेश करन नूं तैयार हां कि मेरे नबी हुसैन चुम के रोंदे रहे ने मेरे नबी मेरे इमाम नु सीने ला के रोंदे रहे ने क्योंकि मुहर्रम दा महीना है मैं तां वास्ते अपने इमाम दा जिक्र कीता है तेरा भी इमाम हुसैन है ते मेरा भी इमाम बोलो हुसैन इबने अली ने हाथ चुक के कह रहे हैं किसी का डर नहीं किसी का खौफ नहीं साडा इमाम हुसैन है वो इमाम है जिहड़ा यजीद दे सामने डट गया है पुत्रां दी कुर्बानियां दे छड़ियां भतीजियां दी कुर्बानियां दे छड़ियां ते इको गल कीती इहो शर्त है कि नाने दा दीन रह जाए इन्ना प्यार सी नाने नाल एहो शर्त है कि नाने दा दीन रह जाए नाने दी आन रह जाए नाने दी शान रह जाए लुटी जाए भवे चोक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए दरियापुर विच आउण वालिओ बड़ा सोहना समात कीता जे थोड़ियां अखां दा वजू पिया दसदा है मियाँ साहब ने नक्शा बयान किया तकरीर मुक गई जे ते बाबा जी खड़ी दे ताजदार मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है ते मियाँ साहब फरमांदे ने लैओ यार हवाले रब दे ते मेले निचार दिना दे उस दिन ही दे मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिलांगे अल्लाह पाक दी पाक बारगाह अंदर दुआ अल्लाह मेरा पढ़ना कबूल फरमाए आमीन वमा अलैया इल्ला